कोटा सरकारी अस्पताल के विवाद पर डॉक्टर अवधेश कुमार का एक और विवाद फिर से मीडिया से उलझा। इलाज कराने गए पत्रकार को मार ने उठा दी कैंची। कोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक डॉक्टर है, नाम है डॉक्टर अवधेश कुमार। पेशे से डॉक्टर है लेकिन बात बात पर तम तम आ जाते हैं। लगता है मीडिया से उनको कुछ ज्यादा ही एलर्जी है और विवाद में रहने का शौक भी है। पहले भी डॉक्टर महोदय के कई विवाद सामने आ चुके हैं। आज भी यह इलाज कराने गए एक पत्रकार पर भड़क गए और मारने के लिए कैंची उठा लिया। वह तो अच्छा हो कि कुछ पहुंचे तो वहां डॉक्टर अवधेश की ड्यूटी ही थी। जावेद खान चैम्बर में बैठे डॉक्टर अवधेश ने अपनी समस्या बताते और दवा लेने गए तो डॉक्टर उन्हें देखते ही भड़क उठे और कहने लगे कि प्राइवेट एम्बुलेंस वाले शिकायत तुमने ही की है। इस पर जावेद खान ने कहा कि सर मैं अभी इलाज कराने आया हूँ और आप इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकते, जिससे डॉक्टर शाह भड़क गए और कैंची उठाकर हमले करने का प्रयास किया। इस बात पर डॉक्टर को और गुस्सा आ गया और विवाद और बढ़ गया। इस मामले की जानकारी होने के बाद वहां पत्रकारों के साथ ही कांग्रेस के नेता भी अस्पताल पहुंच गए। बाद में पत्रकारों और जनप्रतिनिधियों ने डॉक्टर के व्यवहार और बदतमीजी को लेकर कोटा थाने में लिखित शिकायत की है। और संबंध ही काम आता है सर, ये अहंकार काम नहीं आता है। हाँ, हम जहाँ है हम आज है कल चले जाएंगे, किसी को बपोती कहीं नहीं लगा। सब का वही हो, पहले हम क्या है, पहले हम एक इंसान है, उसके बाद डॉक्टर है और पुलिस वाले, तो हमको पहले इंसानियत को नहीं लूंगा। बिल्कुल बात समझ रहे हैं। अब देखिए आपके खिलाफ कितने उठ रहे हैं वहाँ पर कई लोग, उनके लिए चलो आप आए हो हमारी कंप्लेंट को उठाओ, लेकिन फिर भी मैं बोला रुको भाई मैं बात कर लेता हूँ कैसा है क्या है। हमारा लड़का भी डेंटिस्ट है, हेलो, लेकिन कभी किसी के साथ व्यवहार ऐसा तो नहीं करता, वो तो पैसा नहीं देता तो आधे पैसे लेके छोड़ कर देता है। आप कितने से व्यवहार को मैंने बिगाड़ के रखेंगे बताइए। ऐसा लग रहा है नहीं साहब को लग रहा है बाबू जी, आप ना क्या बताऊँ, ऐसा मत करिए, पब्लिक की सेवा के लिए आप आए हैं, बाबूजी से आप विवाद करोगे तो नहीं, 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 नहीं कर रहा हूँ मैं, आप पता भी कर लीजिए पूरा, है ना। अब देखो इतने लोग आपके विरुद्ध बोल रहे हैं, जितने हैं जरूरी लोग है वो लोग हैं तो जरूरी नहीं है वो सही है, वो सब ठीक है जी, नहीं वो सब ठीक नहीं है। आप सही मान रहे हैं ना, किसको आप सही मान रहे हैं, आप किसको सही मान रहे हैं, आप बताइए, आप बताइए, हम तो आगे बताऊंगा। हाँ वो काम आपका है वो। देखिए बहुत गंदा समय आ गया है, सरकारी कर्मचारी होने के हिसाब से अस्पताल कोटा में आप किसी मरीज को इलाज करने के लिए उपचार करने को छोड़ के इस टाइप का गुंडागर्दी करेंगे ये शोभा नहीं देता। और जो डॉक्टर के पद में हैं अवधेश कुमार करके, ये लगता है मनोरोगी हैं, मैं इनको मनोरोगी समझता हूँ, क्योंकि ये कोई भी गरीब पब्लिक से ऐसी दुर्व्यवहार करते हैं। इनका शिकायत कई बार आ चुका है, पब्लिक प्लेस में किसी भी कर्मचारी को या वहाँ पास कोई आसपास दूर दराज से पब्लिक आ रहती है उनको गाली गलौज भी करने लगते हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये मनोरोगी हैं। इनको सबसे पहले अपना इलाज कराना चाहिए और या तो फिर इनका ड्यूटी कराना है तो इनको सेंधरी के अस्पताल में ड्यूटी कराया जाए। आज जिस टाइप का जो हरकत हुआ वहाँ पर मैं भी मौजूद था और देखा कि एक जावेद खान करके गए थे अपने पैर की इलाज को लेकर, तो उससे बहस करते करते उन्होंने लड़ाई झगड़ा पर उतर आया और कैंची उठा के वार करने की कोशिश की। तो ऐसे जो कोटा अस्पताल में पदस्थ हैं अवधेश कुमार जैसे लोग, ये एक आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं, ये पब्लिक के बीच में एक आतंक फैला रहे हैं, मरीजों को ठीक ना करके उनसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो इनको जल्द से जल्द शिकायत के माध्यम से चक्का जाम के माध्यम से हटाया जाए और हमारे सीनियर नेता टीएस बाबा से तत्काल बात भी कर रहे हैं इनको हटाने के लिए, कि एक ऐसे आतंकवादी विचार के डॉक्टर को कोटा अस्पताल में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवेंद्र कश्यप नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कोटा। लासपुर कोटा से रितेश गुप्ता, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।